मुंबई, जिसे माया नगरी भी कहते हैं, हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं अपना करियर बनाने के लिए। कई लोगों की करियर बन जाती है और कई लोग इस चकाचौंद रोशनी में आके कहीं खो जाते हैं। माया नगरी जितनी खूबसूरत दूर से दिखती है, उतनी ही डरावनी भी है, और इसका जीता जागता सबूत हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ करण ओबेरॉय की। वो बताएंगे कि इस खूबसूरत चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे की कड़वाहट, कि कैसे लोग दोस्ती की आड़ में क्या से क्या कर जाते हैं और उन्हें ये एहसास तक नहीं होता। सो करण, वेलकम टू लहरी। थैंक यू। बहुत कुछ हो गया है, मतलब मैं पीछे तो नहीं जाना चाहूँगी, बट हाँ, अगर शॉर्ट में अगर आप वो बताना चाहें, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे कि हाँ अभी का क्या सिचुएशन है, क्या करने वाले हो, क्या आपके माइंड में चल रहा है सब कुछ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आपने बात कही, बहुत ही जो माया नगरी के बारे में बात कही, वो 100% सच है, क्योंकि जितना चकाचौंध यहाँ आपको रोशनी करती है, वहाँ उसका एक खौफनाक सच ही है जिससे मैं गुजरा हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं। स्पेशली हमारे जिस एरिया में हम हैं, यहाँ पर अंधेरी में, लोखंडवाला में, ओशीवारा पुलिस स्टेशन जाएं तो आपको पता चलता है कि उनके लिए बड़ी मामूली सी बात हो गई है कि आज लॉ का गलत इस्तेमाल करके किसी को भी फंसाया जा सकता है, किसी से पैसे ऐंठे जा सकते हैं। और नेशनल कमीशन ऑफ क्राइम की अगर उनके आंकड़े देखे जाएँ तो 54% ऑफ जो केसेज जो इस तरह के रेप केसेज होते हैं वो फेक होते हैं, और ये तो वो होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, जिनकी FIR बनती है। बट ऐसे 20-25% केसेस और भी हैं जो लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, बिकॉज वो रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहते, वो सोसाइटी में अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहते। तो आप सोचिए, अगर 75% अगर ऐसी बात चल रही है कि केसेस नकली फर्जी किए केसेस फाइल किए जा रहे हैं एक्सटॉर्शन के लिए, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। मेरे साथ जो वो एक बहुत ही लाइक जैसे कि बहुत ही डरावना, खौफनाक, दर्दनाक एक वाकया है, जिसको मैं जितनी बार जीता हूँ उतनी बार मुझे एक अंदर से एक तकलीफ़ होती है, एक दर्द होता है, और उस दर्द को मैं पिछले 10-15 दिन से सहन कर रहा हूँ और अभी तक मैं उस शौक से बाहर नहीं आ पाया हूँ। मेरे साथ बड़ा सिंपल सा केस था कि मुझे मैंने एक महिला थी जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी बहुत समय से, दोस्ती की आड़ में, भले सेक्सुअल फेवर्स के लिए बोल के या कुछ भी करके, कुछ रिश्ता बनाने की कोशिश के में उसकी कंप्लेंट मैंने की थी कुछ अक्टूबर में पुलिस स्टेशन में। एक बार नहीं, 3 बार मैं उनके पास गया था। मैंने उनको बोला था कि आप प्लीज़ इस केस को सीरियसली लीजिए, बिकॉज मुझे रात को 2 बजे, सुबह 5 बजे अलग अलग नंबरों से कॉल आते हैं, और मतलब एक कॉल रखता हूँ दूसरा कॉल आता है, एक रखता हूँ दूसरा कॉल आता है, मतलब मेरे लिए इतना हैरेसमेंट हो गया था कि मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मेरे लिए काम करना मुश्किल हो गया था। और मैंने कुछ अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस भी किया, तो उन्होंने बोला भाई तुम जाकर इसके बारे में कंप्लेन कर दो तो तुम एटलीस्ट सेफ हो जाओगे, कुछ इससे ज़्यादा कुछ बात बढ़ेगी नहीं। एक वो समय था सितंबर अक्टूबर का जिसके बारे में कुछ बात नहीं हुई, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और जून का समय मई में था जब मुझे पुलिस वाले आए रात में उठा के, रातों रात उठा के ले गए और पुलिस थाने में जाकर बोला कि आप रुको, और मेरा फ़ोन ले लिया, सब कुछ ले लिया, और बाद में मुझे बताया गया कि ये आपके ऊपर फाइल किया गया है। तो मैंने उनको कहा कि यार मेरा तो कंप्लेनेंट तो मैं हूँ। बोले आपके कंप्लेनेंट का हमें कुछ नहीं पता, ये किस्सा है, ये केस है, और ये केस में हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ बंधे हुए, आपको हमको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और वहाँ से जब तकलीफ़ों का सिलसिला बड़ा हुआ, उसके बाद जो कहते हैं, आई थिंक मीडिया की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज आप किसी के 20 साल की कमाई रेपुटेशन को आप एक झटके से दागदार कर सकते हैं। मैंने जैसे मैंने कहा कि मैंने 20 साल तक ट्रैफिक का सिग्नल नहीं तोड़ा आज तक, कभी किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं की है, हमेशा लोगों की मदद की है। तो ये 20 साल की मेरी जो पुरानी जो एक 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 रेपुटेशन थी, उसको एक सनसनी केस की तरह से रेप एक्यूज करके इस तरह के जो छापा गया, वो थोड़ा मुझे उससे बहुत बहुत तकलीफ़ हुई। मेरे पेरेंट्स को, मेरे पूरे ओबेरॉय ख़ानदान को, मेरे दोस्तों को जो मुझे इतने साल से जानते हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़े पॉजिटिव लव अफेक्शन के साथ, ब्लेसिंग के साथ, लोगों के साथ अच्छी बर्ताव के साथ की है, ये मेरे लिए ब्लेसिंग बन गई, बिकॉज इस तरह के संगीन जुर्म के आरोपी के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। मेरे साथ एक पूरी फौज खड़ी हो गई। तो कभी कभी अगर मुझे ये डाउट भी होता था कि यार मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे ऊपर इस तरह से एक आरोप थोपा गया, तो उसको अपोज करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए कि मुझे लगा कि शायद कि जो मैंने 20 साल में जो अच्छा काम किया है, ये उन कर्मों का फल है। सॉरी। तो
तो वो सारे लोग आए, तो उनकी वजह से जो मेरे लिए जिन्होंने जिन्होंने झगड़ा किया या जिन्होंने सच को सामने रखने की कोशिश की, और आई थिंक वो अच्छे कर्म थे कि केस बहुत ही जल्दी एक 35 दिन के अंदर अंदर पलटी खा गया और आप सबको पता चल गया कि एक फर्जी केस था, और एक और जब उस महिला ने खुद के ऊपर अटैक कराया तो लोगों को पता चला कि यार इंसान किस स्तर तक नीचे गिर सकता है। मेरी मॉम बहुत तकलीफ़ में थी, मेरी सिस्टर, मेरी हमारी जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सब बहुत तकलीफ़ में थे। मॉम को जब उस लड़की को महिला को अरेस्ट किया गया तब जाकर उनको शांति मिली कि यार, बिकॉज उनका ये मानना था, उनका डर ये खौफ ये था कि अगर कोई इंसान खुद पर अटैक कर सकता है तो तुम कैसे सुरक्षित हो। और जिस तरह का उनका पैटर्न रहा है, एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनको बहुत ही अभी भी वो डरी हुई रहती हैं कि यार कुछ हो ना जाए। करण, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा अभी कि मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस न्यूज़ को फैलाने में या कुछ करने में, तो आप पुलिस के सामने जैसे गए, बट वैसे ही सोशल मीडिया भी है जिसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो, तो आपके तरफ से वैसा कुछ आया नहीं कभी? तो आज के डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बातों को रखोगे तो लोग आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, तो आपने सोशल मीडिया को क्यों नहीं यूज़ किया? देखिए, मैंने शुरू से जो रहा है, अगर आप मेरा सोशल मीडिया पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में ना बहुत सारी नेगेटिविटी है। ट्विटर पे लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और मैं इन सब से हमेशा परे रहा हूँ। अगर आप मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल पढ़ेंगे, करण ओबेरॉय रोमांसिंग लाइफ या करण ओबेरॉय मेरा इंस्टाग्राम है जो ऑफिशियल करण ओबेरॉय ऑफिशियल, तो आप देखेंगे कि मैंने ज़िंदगी में कभी हमेशा प्यार, मोहब्बत और लव की बात की है, कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की है। और ये मुझे लग रहा था कि कानून हमारे देश का बहुत दुरुस्त है, बहुत बुलंद है और बहुत तगड़ा है, और मुझे इंसाफ तो कानून के ज़रिए मिलेगा, लोग थोड़ा दिलाएंगे, ये मेरी धारणा थी। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि यार मेरे को जो कानूनी जो चीज़ है मेरे को वो करना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सोशल मीडिया में आज भी मैं प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ, मैं नेगेटिविटी की बात कर ही नहीं सकता, ये मेरा ग्रेन नहीं है, मेरा डीएनए नहीं है। तो जो भी बात मैं करूँगा वो सिर्फ वो या तो इंसानियत की बात होगी या अच्छे कर्मों की बात होगी। और कहीं ना कहीं आई थिंक हम सब सिर्फ नेगेटिव बातें करेंगे तो वो एक नेगेटिविटी फैलती है, ये मेरा मानना है। शायद इस वजह से मैंने सोशल मीडिया पे नहीं गया, लेकिन जो बातें लोग कर रहे हैं उससे मुझे एक ढांढस पहुँचती है कि हाँ, मेरे लिए अगर मैं देखिए किन लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ, उन लोगों की जिनकी आवाज़ नहीं है। मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हैं जो वॉइसलेस हैं और जिन पर मुझसे कहीं ज़्यादा बदतर ज़्यादती हो रही है लॉ का गलत इस्तेमाल करके, उनकी आवाज़ मैं बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो बनेगा मैं करूँगा। अच्छा, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, बट हाँ मैं आपसे इतना जानना चाहूँगी, जिनके बारे में अभी पूरी बातें चल रही है, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, जो मतलब जिनकी वजह से आपकी लाइफ में एक बोले यस, सो मैं जस्ट इतना बोलना चाहूँगी कि आप कैसे मतलब मिले थे उनसे, कैसे मिले, क्या हुआ? एंड देन होता है ना कि भाई लोग ऐसे कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो करण इस बात को आप कितना क्या कहना चाहोगे इस बात पे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आजकल एक हाथ से इतनी तालियां बज रही हैं कि जिंदगियां इतनी ज़्यादा बर्बाद हो रही हैं। वो कहानियां जब मैं सामने लेकर आऊँगा मेंटू के ज़रिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या हम ना ज़िंदगी में जिस रफ्तार से चल रहे हैं ना, हम सबको शॉर्टकट की भी आदत पड़ गई है। कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है, सबको लगता है कि नया आईफोन, नई गाड़ी, उसके लिए पैसे पैसे मेहनत करे से कमाएंगे तो 20-25 साल लग जाएंगे। अगर लॉ का गलत इस्तेमाल करके शॉर्टकट में कुछ पैसे कमाए जा सकें, ऐठे जा सकें, अगर वो जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो आंकड़े अगर आप देखें तो वहाँ तालियाँ एक हाथ से ही बज रही हैं। बहुत सिंपल सा है कि लॉ ने का स्कोप एंड एम्बिट ऐसा एम्बिगुअस हो गया है कि आपने किसी के साथ रिश्ता जोड़ा, उसके साथ आपने दोस्ती की या प्यार मोहब्बत की या जो भी किया, वो आपको नहीं सूट किया तो आप किसी की ज़िंदगी या आप किसी का गला काट सकते हैं। लेट्स जस्ट अज्यूम दिस। वो गला काटने की ताकत आप जब किसी को देंगे ना, तो उसका सही इस्तेमाल ना तो आदमी करेगा ना औरत करेगी। अब मुझे बताइए, जो मेरे साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों के साथ हो रहा है, उसकी वजह से आदमी और औरत का जो रिश्ता है वो कहाँ पाक रहेगा? आदमी डरेंगे, बीवियों से डरेंगे, गर्लफ्रेंड से डरेंगे, बात करने से डरेंगे। हर आदमी ये चाहेगा कि मैं किसी से हेलो भी बोलूँ तो साथ में एक लॉयर खड़ा होना चाहिए या मैं उसको रिकॉर्ड करूँ बात को। ये एक हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये तालियों का जो एक हाथ से ताली जो बज रही है ना, इसका बंद होने का समय आ गया है। तभी मैंने तलोजा, मेरे जैसे 600 लोग थे यार, जो बहुत गरीब मुफलसी में जो जिए हैं, जो जहालत में पले बड़े हैं, उनकी तो कोई आवाज़ ही नहीं है। तो उनकी आवाज़ अगर कोई नहीं करेगा, तो आप अगर मुझे ये कहें कि आप पब्लिक फिगर हैं, तो मैं किस नाम का पब्लिक फिगर हूँ यार? मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यार उन लोगों को आवाज़ दे सकूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पूछा कि आप फर्स्ट टाइम कैसे मिले, एंड देन ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, लाइक आपको कब लगा कि यार अब ये मेरे लिए थोड़ा हाँ यस हम सोशल मीडिया पे मिले थे,
और एक दोस्ती बनी थी इस बेसिस पे कि आप देखिए आप किसी से दोस्ती करते हैं, अगर आप मैं कहूँ आप क्या करती हैं, आप मुझे बोलें आप जर्नलिस्ट हैं तो बड़ी अच्छी बात है बिकॉज आपने सच कहा। अगर आप क्रिमिनल हैं और आप मुझे ये कहें कि आप कुछ और करती हैं, जैसे कि आप जर्नलिस्ट हैं या फिर आप एक्टर हैं या फिर आप लॉयर हैं, तो आप मिसरिप्रेजेंट कर रही हैं फैक्ट्स को। तो मुझे कहा गया कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर्स तो यूजली लोगों को बुरा करते नहीं हैं। जब धीरे धीरे पता चलने लगा कि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, आप काला जादू करती हैं, आप तांत्रिक विद्या करती हैं, जिसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा मीडिया में, बहुत एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पूरा एक आर्टिकल आया था उन्हीं के एक शिष्य का, जिसने ये कहा था कि ब्लड सैक्रिफाइसेस, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना, किसी का कत्ल करवाना, किसी को वश में करना, ये सब चीज़ें जब सब सामने आई तो कोई भी आदमी डर जाएगा, कोई भी आदमी बोलेगा यार इस तरह के इंसान से हमें दूर रहना है बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और वही हुआ, जब धीरे धीरे सामने चीज़ें आई तो अपने आप को डिस्टेंस किया, और जब अपने आप को डिस्टेंस किया तो पता चला कि यार ये डिस्टेंस उनको मंजूर नहीं है। तो ये यहाँ से जो है बात बिगड़नी शुरू हुई। तभी जितना डिस्टेंस मैंने किया उतना ज़्यादा वो ऊपर हावी होने लगे। और क्या है कि मैं, जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत ही एक सॉफ्ट पर्सनैलिटी हूँ, तो मैं अग्रेसिव नहीं हूँ। तो मैं हर बार बात को टालता रहा, डिफ्लेक्ट करता रहा कि यार नहीं मुझे बात नहीं करनी, मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। लेकिन वो मुझे आज जो सीख मिली है मुझे कि शायद अगर मैं थोड़ा एक बहुत ही अग्रेसिव स्टैंड ले लेता कि मुझे छोड़ दो, तुम मुझे प्लीज़ तंग मत करो, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा, ये उनको पता देता तो शायद यहाँ तक बात नहीं आती। यही सीख मुझे मिली है। तो मतलब क्या उनका ब्लैंक कॉल आता था, या फिर वो आपको थ्रेट कॉल्स देती थी, या फिर ऐसे कभी हाथापाई वाला वैसा कुछ हुआ, या पब्लिकली ऐसा कुछ हुआ कुछ कभी वैसा कुछ? क्योंकि हमें वैसा कुछ सुनने को नहीं मिला जब तक कि आपकी वो अरेस्ट वाली बातें सामने नहीं आई। देखिए मैं इसको बार बार रिलीव नहीं कर पाऊँगा। एक तो मेरे लिए बहुत पेनफुल है, और दूसरा है कि मैटर सब ज्यूडिस है। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपका, मेरे पास मैसेज है, मैं आपको व्हाट्सएप में आपको बेल ऑर्डर मैसेज करता हूँ। आपको, आप जज का बेल ऑर्डर पढ़िए, उसमें बहुत ही साफ साफ तरीके से जो भी उन्होंने मुझ पर चीज़ें लगाई हैं, रेप का डाउटफुल, एक्सटॉर्शन डाउटफुल, ब्लैकमेल डाउटफुल, मतलब जो भी प्रूफ उनके पास हैं, जज साहब ने बहुत ही तीखा टिप्पणी करी है इसके ऊपर कि ये आपने किस बेसिस पे अरेस्ट किया। पुलिस वालों को ये बोला कि आप किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप एक तरफा इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। बेल ऑर्डर 28 पेज का है, जो एक बेंचमार्क है ऐसे केसेस के लिए, जहां वो कहा जाता है कि आपने लड़की को गिरफ्तार नहीं किया नकली केस में, आपने उसका फ़ोन नहीं लिया, आपने आदमी का फ़ोन सरसर ले लिया, डेढ़ महीने से उसका फ़ोन है, उस डेटा को किस तरह से भी मैनिपुलेट कर सकती है। यहां पर आप रेप की बात कर रहे हैं, उसको डेट तक नहीं पता, जगह तक नहीं पता, उसको ये नहीं पता कब हुआ, और अगर हुआ तो उसके बाद हाई स्वीटी बोलोगे क्या आप किसी को रेप करने के बाद? रेप जैसे संगीन जुर्म को ना हम अगर इतना हल्का बना देंगे ना, तो जिन लोग जो एक्चुअली पीड़ित हैं महिलाएं इसके वजह से, उनके साथ बड़ी बड़ी नाइंसाफी होगी। मुझे पता है जब निर्भया हुआ था तो मैं 2-3 दिन तक मैं इतना परेशान था, मैं खाना नहीं खा पाया था कि इतनी ज्यादती किसी महिला के साथ कैसे हो सकती है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में रेप कम हो गए हैं या रुक गए हैं, रेप हो रहे हैं और बहुत बुरी और ज्यादती के साथ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इतने बड़े संगीन चीज़ को ऐसे ही अपनी एक वेंडेटा के लिए, अपना एक मतलब झाड़ने के लिए या पैसे हटने के लिए आप उसको हल्के में किसी पर आरोप लगा देंगे, तो वो बेचारे जो एक्चुअली में सफ़र कर रहे हैं उनको तकलीफ़ होगी, उनके साथ जाती है। तभी कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये कानून नहीं बदलेगा तो हम एज ए सोसाइटी तितर बितर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसीलिए मैं ये आवाज़ करना चाहता हूँ। मैं जैसे मैंने कहा कि बेल ऑर्डर पढ़िए, दूध का दूध पानी का पानी बेल ऑर्डर में है। दूसरा केस जो है वो तो आपको, आपने फॉलो किया ही होगा, जो फर्जी केस है जिसमें उनके लॉयर ने ये बोला कि ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी इन्होंने रची है। ये सब तो आपको, इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कैसे पता, कैसे हम, जब आप ये सब उसको ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो आपका सारे सवाल जो है उन सारे सवालों का जवाब इसी के अंदर है। मैं जानता हूँ ये बहुत छाप देना बहुत आसानी बात है, रेप, एक्टर कॉट इन रेप, आपने किसी की 20 साल की अच्छी जिंदगी को, अच्छे उसको आपने एक लकीर लगा दी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस केस के बारे में आप तरह तरह से पढ़िए, इन्वेस्टिगेट करिए, तब वो सच लोगों तक लाइए, बिकॉज आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी मेरी एज ए गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अच्छा करण, मैं जब आपको पुलिस अरेस्ट करके ले गई और जब आपको उन्होंने जेल में डाला, तो दिमाग में मतलब क्या था, यार मैंने क्या ऐसा कर दिया? लाइक फ्रेंडशिप करना बुरा है या फिर किसी अननोन पर्सन से बात करना बुरा है, ये कितना शॉकिंग था आपके लिए कि पता नहीं आगे मैं किसी से बात करूंगा और नहीं करूंगा, या किसी से फ्रेंडशिप करने से पहले या एक अननोन कॉल आने से पहले मैं उसको रिसीव करूं ना करूं, ऐसा कुछ था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था? देखिए, जब पहले दिन पहले टाइम मैं जो शॉक में था, तो इतना ज़्यादा डीप रूटेड शॉक था कि मैं एकदम नम हो गया था।
क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने ट्रैफिक लॉ तक नहीं तोड़ा, आज की तारीख में मेरे दोस्त वगैरह हंसते हैं कि जब मैं गाड़ी में ना बॉम्बे जैसे शहर में जब राइट में लेता हूँ ना गाड़ी, तो मैं इंडिकेटर देता हूँ, जब तक मुझे इंडिकेटर मिलता नहीं सामने से तो मैं राइट टर्न नहीं करता हूँ, मतलब यार लेन भी चेंज नहीं करता हूँ। तो पहले तो मैं बहुत नम था, शॉक में था। फिर जब मैं जेल में गया तो मैं बहुत डरा हुआ था, बिकॉज जेल में मुझे वहाँ रखा गया जहाँ पर क्रिमिनल्स थे, छोटा राजन के शूटर, मर्डरर्स, गैंगस्टर्स, उस तरह के लोग थे। एक छोटे से कमरे में 90 लोग थे और ऐसे लोगों के समक्ष था मैं। तो पहले 3-4 दिन तो मैंने खाना नहीं खाया, मैं सोया नहीं, मैं सिर्फ रोता रहा। फिर मुझे एक अंदर से स्ट्रेंथ मिली जब मैंने न्यूज़पेपर वहाँ पर आता है तो न्यूज़पेपर के ज़रिए जब मुझे पता चला कि यार न्यूज़पेपर में लोग मेरे लिए खड़े हो रहे हैं, मेरे लिए मेरे बात कर रहे हैं और ऐसे लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं जिनको मैं 20 साल पहले शायद गलती से 1 मिनट के लिए मिला था। ऐसे ऐसे लोग सामने आए जिनसे मैं टच में नहीं था। पूजा बेदी ऑफ कोर्स मेरी ज़िंदगी की बाहुबली, मेरी सिस्टर बाहुबली, और ऐसी बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, अनीता आनंद है, सुधांशु पांडे, मेरे बैंडो बॉयज़ के सारे मेंबर्स, सब के सब सीना तान के खड़े हो गए और ये मेरे तो मुझे लगा कि यार ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तो उससे मेरे देखिए बोलते ना आदमी का जो कोर है वो तो नहीं बदलता है, तो मेरा कोर हमेशा पॉजिटिव और इंसानियत वाला रहा है। तो जो पहले की जो वो था जो मुझे लग रहा था कि मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा या मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, ये वो एक मुझे हिम्मत मिलनी शुरू हुई। मैंने खाना छोड़ा हुआ था, सोना छोड़ा हुआ था। 4-5 दिन के बाद कुछ कैदी मेरे पास आए और बोले कि हम मुलाकात के लिए गए थे, मुलाकात मतलब हम लोगों से मिलने गए थे, हमारे दोस्त लोगों से, और हमारे परिवार ने कुछ खाने की चीज़ें हमें दी है तो वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप खाइए। तो मैंने बोला आप ये तो आप कैसे खाएंगे अगर मैं खा लूँगा? तो बोले हमें जेल का खाना खाने की आदत है, हमें 8 साल से हैं, 10 साल से हैं, आपको नहीं है, आप खाइए। तो उससे मुझे ऐसे लगा कि यार यहाँ पर भी इंसानियत है। उसके 3-4 दिन के बाद उन्होंने देखा कि मैं सो नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या कि अपनी चादरें इकट्ठी की और उसका ना एक बेड बनाने की कोशिश की, अपने कपड़ों को फोल्ड करके मेरे लिए तकिया बनाया ताकि मैं सो सकूँ। जब मैं वहाँ से छूटने गया तो ये खबर मुझे सबसे बाद में पता चली कि मैं छूट रहा हूँ, बिकॉज जो खुशी की लहर दौड़ के आई उन 90 कैदियों में कि आप छूट रहे हैं, वो देखते बनती थी जी। और 20 लोग कैदी जो हैं वो जो मेन गेट तक छोड़ने के लिए आए कि आप दोबारा यहाँ पर नहीं आओगे, हमें पता है, तो हम सिर्फ आपको छोड़ने के लिए आए। और मैं उनको कहता था कि यार आप ऐसा मत करिए, आप रूल तोड़ रहे हैं, आपको आपकी पिटाई हो सकती है। तो बोले यार आपके लिए थोड़ी मार खा लेंगे हम। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इन सब चीज़ों को तजुर्बों को लेकर मैं बाहर आया हूँ। देखिए मैं बिखरा क्यों आऊँ, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, ये एक चोट है, ये एक दर्द है, लेकिन मैं अपने कोर में वापस बहुत जल्दी लौट रहा हूँ। तो जैसे किसी मुझे कहा, मेरी दोस्त ने कहा कि यार तू ना बहुत ही सॉफ्ट आदमी है, बहुत जेंटल है, तो जो अब इस तजुर्बे के बाद तू बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। तो मैंने बोला यार जो मैंने जेल में देखा है और जो मैंने जिन लोगों को मेरे बाहर से लड़ते हुए देखा है, मुझे लगता है कि मैं शायद और सॉफ्ट और जेंटल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर भी इंसानियत दिख रही है और जो लोग बाहर लड़ रहे हैं मेरे लिए वो भी इंसानियत दिख रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत ज़्यादा अफेक्शन मिल रही है। रहा सवाल वो महिला का, तो वो एक है जो शायद बुरी हो सकती है या है, पर उसके जैसे उसके ऑपोजिट पूजा बेदी हैं, मेरी सिस्टर हैं, और ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं जो सिर्फ मुझे प्यार और सपोर्ट दे रही हैं। तो मेरा कुछ रवैया नहीं बदलने वाला, मैं लोगों को आज भी उसी प्यार से मिलूंगा, या एक 10 दिन के बाद जब मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगा तो उसी प्यार से मिलूंगा, उसी भरोसे से मिलूंगा जिससे मैं आज तक मिलता हूँ। मैं अपने आप को किसी भी तरह से बदलना नहीं चाहता। मुंबई में कई ऐसी बातें हो जाती हैं जिनका लोगों को पता भी नहीं चलता है, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो सामने आते हैं उनकी बातें चलती है, अदरवाइज तो वो कहीं मतलब ऐसे छुप जाती हैं, जैसे एक सवेरे के बाद रात होता है, देन फिर नया सवेरा होता है, सो सब खत्म हो जाता है। सो अभी हाल फिलहाल में और एक केस हमारे सामने में आया है, जैसे कल की ये बात है, आदित्य पांचोली के ऊपर भी रेप और बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस दर्ज किए गए हैं। तो क्यों मतलब जहाँ पे आप लोग काम करते हो, एक जगह जहाँ बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री बोलती है कि ये हमारी फैमिली है, हमारे भाई बहन है, हमारे फ्रेंड्स हैं, एंड देन फिर सडनली ये सारी न्यूज़ ब्रेक होती है, तो लोग किस पे विश्वास करें, उस फैमिली पे विश्वास करें या तो फिर ये सारी जो न्यूज़ आती है उनके ऊपर? देखिए मेरा लोगों से यही कहना है कि आप सच पे विश्वास कीजिए। जो मेंटू का जो मूवमेंट हमने स्टार्ट किया है वो सिर्फ जस्टिस के लिए है, वो ये नहीं कहता कि आप कहीं तक पक्षपात करिए, न औरतों के लिए करिए, न मर्दों के लिए करिए, आप सिर्फ सच के लिए पक्षपात किए। मैं आपको एक पंक्ति बताता हूँ कि शब्द के सन्नाटे में गूंजी हुई आवाज़ हूँ, इस अंधेरे के समंदर से निकालो मुझको। ये उन लोगों की आवाज़ें हैं
जो मीडिया में नहीं है। आप मुझसे बात कर रही हैं क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, मैं एंटरटेनमेंट में हूँ, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। ऐसी बहुत सारी लाखों आवाज़ें हैं जो डूब के मर रही हैं, यूनिवर्सिटी ना कि शब के सन्नाटे में डूबी हुई आवाज़ हूँ मैं। उनकी आवाज़ जो है उनके अंदर भी बहुत सारी सच्चाई है, उनकी कहानियाँ जो हैं मेरे जैसा कि मुझसे ज़्यादा दर्दनाक है। हमारी मेरी जो जो बात है वो है कि आप पहले सच्चाई तक जाइए और तब आप नापिए कि क्या बुरा है क्या सच है। किसी भी केस में जो आपने इस केस की भी बात की है, जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। आप पहले से पक्षपात करके मत डिसाइड करिए कि औरत है तो मर्द है तो। रहा सवाल कि सब भाई बंदी के साथ रहते हैं तो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में फिर भी बहुत सारा कुछ होता है। ये हर जगह पे होता है, जहाँ पर भी पाँच लोग साथ में रहते हैं, पाँच बर्तन साथ में रखे जाते हैं, उनमें आवाज़ें होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इट्स डिपिक्शन ऑफ द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पर होता है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, किसी कॉर्पोरेट हाउस में होता है, किसी लीगल एंटिटी में होता है, किसी मीडिया हाउस में होता है, ये सब होते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, प्यार मोहब्बत से भी लोग रहते हैं, ये हर जगह पे होता है। लेकिन हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो एक गोल्ड फिश की तरह है, जो एक ट्रांसपेरेंट गोल्ड फिश जो होती है ना, जो एक उसमें रहती है, जिसके ऊपर स्पॉटलाइट रहती है। तो इस पर ओपिनियन रखना थोड़ा आसान हो जाता है कि यार आप देख रहे हैं, यार हम आपको दिखा रहे हैं। तो बस यही है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सच जानिए पहले, उसके लिए थोड़ा वक्त दीजिए। जब वो सच सामने आता है तो उस पर रिएक्ट करिए। और जेंडर जो और जो जस्टिस होती है ना, उसको आप न्यूट्रल रखिए, क्योंकि जब मेरी कोई कलाई काटेगा ना तो मुझे उतनी तकलीफ होगी जितनी आपको होगी, मेरा भी दर्द उतना ही होगा जितना आपको होगा। अगर मेरी माँ को तकलीफ होगी तो मुझे उतना ही दर्द होगा जितना मेरे पापा को तकलीफ होगी। मेरे लिए दोनों समान हैं। तो उसी तरह औरत और मर्द जो है वो इक्वल हैं। तो इक्वल लोगों के लिए, जैसे मैं एक बहुत ही स्ट्रांग फेमिनिस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। अगर आप मेरे मीटू मुक्की मूवमेंट के बारे में मेरे ब्लॉग्स पढ़ेंगे और किसी भी प्रो फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में मेरी, तो मैंने बहुत बढ़ चढ़ के उनके बारे में बोला है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यार जो लड़कियों को जो नहीं मिला है, जो उनका राइट्स नहीं, ड्यूज़ नहीं मिले हैं, वो मिलने चाहिए। एंड आई डोंट सी आपके और मेरे बीच में जो एक फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप में या मेरे में कोई फ़र्क नहीं है तो लॉ हम दोनों को भी एक तरह से देखे, अलग तराजू को ना तोले। तो जस्टिस आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेरे लिए है। तो इसीलिए मेंटू का जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स इज इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। अच्छा करण, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि कुछ महीने पहले ही ये मीटू वाला मूवमेंट, चाहे वो औरतों के लिए हो या फिर मैन के लिए हो, ये स्टार्ट हुआ, उससे पहले लोग क्यों नहीं खुलकर बात कर रहे थे? जैसे ही मीटू वाला एक ऐसा लगता है कि लाइक ये सीज़न आ गया है मीटू वाला। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ हुआ तो हम अभी बात कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हुआ, बट किसी ने ये हैशटैग मीटू को लेकर स्पेशली कुछ बातें नहीं कही, बट अब ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए क्या है, हर एक सोसाइटी में ना एक एवोल्यूशन आता है, जैसे एक अरब स्प्रिंग्स का एवोल्यूशन है, या ऐसे हर सोसाइटी में, हर सिविलाइजेशन में एक मूवमेंट आता है। वहाँ पर कोई एक मुहिम छेड़ी जाती है जहाँ पर जिसके बारे में कोई बात करता है, फिर सब लोग अपने दर्द को उसके दर्द के साथ जोड़ लेते हैं। और आज क्या है कि आजकल हमारे पास सोशल मीडिया का जो ताकत है वो अभी पिछले 2-3 साल में जो है वो सबको लोगों की, अब हमारी आवाज़ सुनी जा सकती है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, लोग इस बात को शेयर करेंगे। तो वो जो प्लेटफॉर्म है ना वो आपको मदद करता है, और एक इंसान बात करता है तो बाकी लोग फिर अपने दर्द को उसके जोड़ के उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं होता था या आगे नहीं है, बट बात करने वाले लोग चाहिए। जब वो उसके बारे में बात करते हैं तो एक सोसाइटी में एक अच्छा चेंज आ सकता है, ये मेरा मानना है। तो भले मीटू हो या मेंटू हो, अब जैसे मैंने मेंटू के बारे में बात की है उस दिन आज़ाद मैदान में, तो उसके बाद इतने सारे हज़ारों केसेस सामने आए कि आप हिल जाएंगे उनके बारे में सुन के। इसके बारे में मैंने गाना भी लिखा है, जिसके बारे में जो आप हम अगली बार इसके बारे में बात करेंगे, अगले एक हफ्ते में शायद आ जाएगा, जो एक इस पूरे जो चल रहा है सोसाइटी में आजकल, इसके बारे में बात करता है। तो जब मैंने मेंटू के बारे में बात की तो जिसका दर्द मेरे साथ जुड़ा हुआ था उसने बोला यार हमें एक आवाज़ मिल गई है, हम अपने दर्द को उसके साथ जोड़ सकते हैं। और वो जो 600 जो लोग जो तलोजा में फंसे हुए हैं या हज़ारों लोग जो जेलों में फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि हमारी आवाज़ अब करण सामने रखेगा तो हम इसके साथ जुड़ सकते हैं। बस सर फर्क, बट बॉटम लाइन यही है कि जस्टिस फॉर ऑल, फेयरनेस एंड जस्टिस। जाते जाते जो लहरे के व्यूवर्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे, या फिर ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ बहुत कुछ होता है बट वो चुप रहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ जो है वो खामोशी की तरह शांत रहती है, क्या कहोगे वैसे लोगों को? मैं उनको सब ये कहूँगा, देखिए मेरे साथ जो भी हुआ है वो तो एक मर्द के साथ हुआ है, और ऐसा लॉ को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है टू सेटल पर्सनल स्कोर्स, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। और औरत मर्द की तरह इसको ना देखें, बिकॉज जैसे कि कहा कि
मेरे साथ जो हुआ सबसे ज़्यादा तकलीफ मेरी माँ को हुई, मेरी बहन को हुई। तो जब कोई मर्द तकलीफ में होता है तो औरतों को तकलीफ होती है जो उसके साथ जुड़ी होती हैं। सिमिलरली जब एक औरत को तकलीफ होती है तो मेरे जैसे सेंसिटिव आदमी भी तकलीफ में आते हैं। तो औरत मर्द को ना देखिए, अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हुई है तो आप उसके बारे में आकर बात करें, उसके बारे में करेक्ट मूवमेंट के साथ जुड़ें एंड टॉक अबाउट जस्टिस फॉर ऑल एंड लाइक आई सेड एंड लेट देयर बी लव एंड पीस एवरीवेयर। यही मैं कहूँगा, आपके साथ अगर कोई तकलीफ है तो आप प्लीज़ जुड़िए, जैसे कि कहा कि हैशटैग मेंटू है, आप उसके बारे में बात करिए, हमारे साथ जुड़िए। हम लॉ को चेंज कर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं इसके बारे में, ताकि वी कैन लिव इन अ ब्यूटीफुल एंड अ बेटर वर्ल्ड। सो करण, हमारे तरफ से आपको बेस्ट विशेज हैं। हम चाहेंगे कि आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाए एज सून एज पॉसिबल, और आप मतलब इतने स्ट्रॉन्ग और इतने अच्छे सिंगर हो, तो पहले जिस तरह से हमने बैंगा बॉयज और इतने सारे गाने सुने हैं, तो आई विश कि उसी तरह के गाने हमें फिर से सुनने को मिले। फिलहाल जो गाना सुनने को मिलेगा आपको वो तो मेरा जैसे जो मेरे साथ जो आप बीती है उसके बारे में है, और उस कुछ एक और जैसे कि वो गाने के अलावा एक और चीज़ के बारे में बात करता है कि किस तरह की दुनिया हमें बिल्ड करनी चाहिए एज मैन एंड वेमेन। तो वो मेरा एक एक्सप्रेशन है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, वो तो आप देखेंगे ही। उसके बाद जो है मेरी कल ही परसों मेरी बैंड बॉय से बात हो रही, तो हमारे दो गाने जो रेडी हैं मेरे जाने से पहले रिकॉर्ड हो गए थे उसको रिलीज़ करने की बात हो रही है, आई थिंक अगले एक महीने में वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ करण ओबेरॉय, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई और माया नगरी की सच्चाई भी हमारे सामने लेकर आई। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, और अगर आप भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन प्रकाश जी के साथ मैं मिनी लहरे, स्मॉल स्क्रीन।